हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट लाइफ हिस्ट्री ऑफ सालपा। तो इस वीडियो में हम सालपा की लाइफ हिस्ट्री की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे सालपा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सालपा जो है वो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास थैलिएशिया, ऑर्डर सालपिडा, जिन्हें सालपा में क्लासिफाई किया गया है। सालपा इज ए कस्मोपोलाइटन मैराइन एंड टिपिकल फ्लैजिक डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल सीज। जो सालपा होता है वो सर्वव्यापी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है और लगभग सभी समुद्रों में ये पाया जाता है। सालपा जो होता है वो डाइमॉर्फिक एनिमल है और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसमें दो फेजेज होती हैं, जिसमें एसेक्सुअल सॉलिटरी फेज होती है जिसको ओजोइड कहा जाता है, और दूसरी जो है सेक्सुअल ग्रिगेरिया फेज होती है जिसको गोनोजोइड या ब्लास्टोजोइड के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ये जो फेजेज हैं ये बिल्कुल अपोजिट हैं किसके, जैसे इससे पहले अपन ने डोलियोलम की जो लाइफ साइकिल पढ़ी थी, जो लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी, उसके कंपैरिजन में ये दोनों जो फेजेज हैं बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यहाँ पर अपन का जो स्टडी जो करनी है वो सालपा की लाइफ हिस्ट्री की स्टडी करनी है। तो इसकी जो दोनों फेजेज हैं, जैसे एसेक्सुअल फेज जो कि सॉलिटरी है, ओजोइड है, उसकी स्टडी करेंगे, और दूसरी जो सेक्सुअल ग्रिगेरिया फेज है, गोनोजोइड और ब्लास्टोजोइड, उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे बात करें ओजोइड फेज की, तो ओजोइड जो फेज है ये जो फेज है ये सॉलिटरी है, ये सेक्सुअल है, बाकी प्रिज्म लाइक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, और इसमें ब्रेंकियल एंड एट्रियल अपर्चर होते हैं जो कि अपोजिट एंड्स पर होते हैं। और इसमें जो टेस्ट होता है वो काफ़ी थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके अंदर जो मसल बैंड्स होते हैं उनका नंबर 9 होता है, और फर्स्ट और 9 मसल बैंड्स को छोड़कर सभी जो मसल बैंड्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं वेंट्रल साइड की तरफ। बाकी फर्स्ट और 9 जो मसल बैंड है ये मसल बैंड जो है कंप्लीट होते हैं और ये इंस्फेक्टर फॉर्म करते हैं। बाकी माउथ जो होता है वो बाउंडेड रहता है बाई डॉर्सल एंड वेंट्रल लिप्स, और ये लीड करता है लीड इनटू द लार्ज फेरिक्स विद एंडोस्टाइल एंड डॉर्सल लेमिना फॉर्मिंग ए सिलिएटेड गेलवार। फेरिक्स जो रहती है कम्युनिकेट रहती है लेटरली ऑन आइदर साइड विद एट्रियम थ्रू ए सिंगल लार्ज ग्लिसलेट्स। मतलब जो फेरिक्स होगी वो लेटरल साइड पर एक जो सिंगल ग्लिसलेट्स है उसके थ्रू क्या रहेगी, एट्रियम से कम्युनिकेट रहेगी। और इसके साथ साथ जो जैसे ईसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन एंड पाइलोरिक ग्लैंड, ये मिलकर के एक कॉम्पैक्ट मास फॉर्म करती हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड पाइलोरिक ग्लैंड, और ये कॉम्पैक्ट मास फॉर्म करेंगे जिसको क्या न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। हर जो होता है ये मिड वेंट्रली सिचुएटेड रहता है बिहाइंड द एंडोस्टाइल। इसके साथ साथ एक आई स्पॉट प्रेजेंट होता है अबव द नर्व गैंग्लियन। जो लाइफ हिस्ट्री के पर्पज से जिसकी बात करें, जो स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती है जिसको स्टोलन कहा जाता है, और ये जो स्टोलन है ये अराइज होती है बिटवीन हार्ट एंड एंडोस्टाइल, और ये उभरी हुई रहती है एट्रियोपोर की तरफ, और इस स्टोलन से इस चैन ऑफ वर्ड्स बाय द प्रोसेस ऑफ वर्डिंग, इससे क्या है बहुत सारी वर्ड्स फॉर्म होती हैं, और ये वर्ड्स जो है यहाँ से क्या है टूट करके और एट्रियोपोर के थ्रू क्या बाहर बॉडी से बाहर निकलती रहती हैं, और ये जो है ये जो वर्ड्स जो है ये फॉर्म करेंगी फिर ग्रिगेरिया जो सेक्सुअल फेज है गोनोजोइड और ब्लास्टोजोइड उसको फॉर्म करेंगी। तो इस प्रकार से जो स्टोलन जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टोलन जो स्ट्रक्चर है इस पर बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग जो वर्ड्स फॉर्म होंगी, ये वर्ड्स जो है डेवलप होकर के क्या फॉर्म करेंगी, जो सेक्सुअल फेज है जो कि ग्रिगेरिया सेक्सुअल फेज है जिसको गोनोजोइड या ब्लास्टोजोइड के नाम से जाना जा रहा है उसको ये फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट जो फेज की बात करें तो ब्लास्टोजोइड्स जो दूसरी फेज है, ब्लास्टोजोइड या इसको जो है गोनोजोइड के नाम से भी जाना जाता है,
और ये जो है सेक्सुअल फेज है, जो कि एसेक्सुअल ओजाइड फेज से क्या डिफ़र होती है, और डिफ़र होती है ये एक तो क्या स्मॉलर होती है साइज में, दूसरी एसिमेट्रिकल होती है, मसल बैंड्स का नंबर इसमें कम होता है, विदाउट स्टोलन होती है, और विदाउट स्टोलन एंड टेस्ट होती है टेस्ट प्रोसेस। लेकिन इसमें जो है जो चीज़ प्रेजेंट होती है जो कि एसेक्सुअल फेज में नहीं होती, ओजाइड में नहीं होती, वो है इसमें गोनाड्स, ओवरी एंड टेस्टिस होते हैं उसमें। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है ये, और जो ओवरी होती है वो सिंगल ओवम प्रोड्यूस करती है एट ए टाइम। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो होता है वो इंटरनल होता है, और उससे क्या है कि कोई जो है कोई लार्वल स्टेज फॉर्म नहीं होती इसमें, लार्वल स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है। एम्ब्रियो जो है उसको न्यूरिस किया जाता है बाई ए डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा, मीन्स ये जो है बीबी पैरिटी शो करते हैं, मतलब बीबी पैरस एनिमल है, और इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा, और डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होकर के क्या फॉर्म करेगा, ये डेवलप हो जाएगा एसेक्सुअल ओजाइड में, और जिसमें क्या है स्टोलन भी प्रेजेंट होगी, और ये जो है मतलब फिर इसके इसको मतलब छोड़ दिया जाता है सराउंडिंग वाटर में, और वहाँ सराउंडिंग वाटर से ये जो है मतलब फुली डेवलप हो जाता है एसेक्सुअल ओजाइड में। और इस प्रकार से जो साल्पा जो है ये क्या बीवी पैरिटी शो करता है, बीवी पैरस एनिमल है, हालांकि ये जो बीवी पैरिटी का जो गुण है ये हायर एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन साल्पा जो है इसके अंदर डिफ्यूज प्लेसेंटा पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है बीवी पैरस एनिमल है, मीन्स बीवी पैरिटी शो करता है। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ हिस्ट्री में ये देखने में मिलता है कि लाइफ हिस्ट्री जो है इसमें डाइमॉर्फिक फेज होती हैं, मीन्स दो फेज होती हैं, जिसमें एक एसेक्सुअल सोलिटरी फेज होती है जिसको ओजाइड के नाम से जाना जा रहा है, और उस ओजाइड में जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो स्टोलन होती है, और उस स्टोलन से बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग क्या बर्ड फॉर्म होती हैं, और वो बर्ड जो है वो फिर डेवलप हो जाती हैं किसमें, सेक्सुअल ग्रिगेरिया फेज गोनोजोइड और ब्लास्टोजोइड में। अब जो ब्लास्टोजोइड होगी या जो सेक्सुअल फेज होगी उसके अंदर जो मेन जो चीज़ है वो क्या होंगे, हर्मेफ्रोडाइट्स होंगे, उसके अंदर गोनाड्स होंगे, और गोनाड्स जो है उसमें टेस्टिस और जो ओवरी हैं उनके द्वारा गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, और मेल और फीमेल गैमेट्स जो है फर्टिलाइज होकर के, और ये फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा, उससे जायगोट फॉर्म होगा, जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और एम्ब्रियो जो है वो एक डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा के थ्रू उसका जो है इंटरनल डेवलपमेंट होगा, और वो फिर डेवलप हो जाएगा किसमें, एसेक्सुअल ओजाइड फॉर्म में। उस एसेक्सुअल ओजाइड फॉर्म में स्टोलन होगा, और उससे फिर वही प्रोसेस बाय बडिंग के द्वारा फिर से क्या है ब्लास्टोजोइड जो सेक्सुअल फेज है वो क्या होगी, फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है कौन कौन सी फेज में, एसेक्सुअल ओजाइड फेज एंड सेक्सुअल गोनोजॉइड या ब्लास्टोजॉइड फॉर्म में। तो इस प्रकार से ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। तो साल्पा की जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें ये टू इम्पॉर्टेंट फेजेज हैं, ओजाइड एंड ब्लास्टोजॉइड्स। इसको थोड़ा सा डायग्राम्स के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे ये इसका डायग्राम है जिसमें ऊपर वाली जो फेज है, ऊपर वाली जो फेज है वो ओजाइड है, और नीचे वाली जो फेज है जिसमें ये अपन देख सकते हैं कि स्टोलन दे रखा है ये, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टोलन जो है इसमें, जैसे अपन इस प्रकार से देखें इसको, तो ये जो है ये स्टोलन है, और ये स्टोलन से बाय द बडिंग प्रोसेस, बडिंग प्रोसेस से बर्ड्स फॉर्म होंगी, और जो बर्ड फॉर्म होंगी वो जो है वो सेक्सुअल फेज जो है जो ब्लास्टोजोइड है ग्रोनोजोइड फॉर्म है उसको क्या फॉर्म करेंगी। तो इस प्रकार से इसमें एसेक्सुअल स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या पाई जाती है, स्टोलन पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरी जैसे फॉर्म देखें इसकी, दूसरी वाली जो है
जैसे ये जो है ये ब्लास्टोजॉइड या गोनोजॉइड है, और इसके अंदर जो है जैसे ओबरी है, टेस्टिस है, तो ओबरी के द्वारा फीमेल गैमेट ओवा प्रोड्यूस किए जाएंगे, टेस्टिस के द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस किए जाएंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद जायगोट फॉर्म होगा, जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, और एम्ब्रियो को क्या डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा के द्वारा इंटरनल ही उसका क्या डेवलपमेंट होगा पूरा, मींस डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। और उसके बाद वो जो है एम्ब्रियो वो किस में डेवलप हो जाएगा, एसेक्सुअल जो फेज है ओजाइड उसमें डेवलप हो जाएगा। उसके बाद इसको मतलब ये एट्रियल अपर्चर है इसके द्वारा वाटर में छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सॉलिटरी फेज है एसेक्सुअल ओजाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और उस ओजाइड फॉर्म में क्या होंगे, स्टोलन होगा, और उस स्टोलन के द्वारा फिर अगेन जो है जो ब्लास्टोजॉइड ये जो सेक्सुअल फेज है उसका क्या डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों फेजेस के बीच में, ओजाइड एंड ब्लास्टोजॉइड के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो साल्पा है वो डाइमॉर्फिक एनिमल है जिसमें मेनली टू फेजेज हैं, और दोनों जो फेजेज हैं ये सेक्सुअल ओजाइड एंड सेक्सुअल गोनोजॉइड या ब्लास्टोजॉइड, इनके बीच में क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, और इस प्रकार से इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है, जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से इसकी जो है लाइफ हिस्ट्री जो है साल्पा की काफ़ी इजी है, वो समझ में आ जानी चाहिए। और डोलियोलम से रिजेंबल तो करती है, मतलब समानता, मतलब एक तरह से स्टेज, लेकिन दोनों स्टेज में काफ़ी डिफरेंस होता है, जो कि अपन ने शुरू में ही बात की थी कि डोलियोलम से जस्ट अपोजिट होती हैं इसकी फेजेस। तो इस प्रकार से इस चीज़ को अपन को दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलना है, जहाँ पर अपन दोनों की स्टेज पढ़ेंगे, डोलियोलम की और साल्पा की, तो दोनों की जो फेजेज हैं वो डिफरेंट है। तो इस प्रकार से आपको साल्पा की लाइफ हिस्ट्री समझ में आ जानी चाहिए। थैंक्स।